हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं जेई मेंस की प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो जेई मेंस की प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है आपका मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिट का प्रॉब्लम है। तो अब देखिए, लिमिट की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो ये हमको चेक करना है कि लिमिट की कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, जैसा कि आप क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, 3x² प्लस का 2 है अपॉन 7x² प्लस का 2 होल पावर 1/x² इज इक्वल टू 4। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 1/e, 1/e² ई स्क्वायर एंड डी ऑप्शन इज ई। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि देखना है, सबसे पहले ज़रूर चेक करना है कि लिमिट की कौन सी फॉर्म बन रही है। ठीक है, जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसमें से कौन सी फॉर्म ये बन रही है। ठीक है, तो 7x² एंड प्लस का 2 का होल पावर क्या है, 1/x। देखो सिंपल सी बात दिख रही होगी कि सर अगर अब मैं 0 पुटअप करता हूँ तो 3 × 0 0 हो गया। ठीक है, प्लस का 2 मतलब प्लस का 2 आया न्यूमरेटर से, 7 × 0 0 हो गया, प्लस का 2 तो 2/2 1, 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये गोज टू 1 की पावर क्या आती है, इन्फिनिटी। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, इसमें से जो अंदर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो पावर होता है वो इनटू में आ जाता है। और ये ओवरऑल पूरा प्रॉब्लम किस में चलता है, ई की पावर में चलता है, ई की पावर। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, 3x² प्लस का 2 अपॉन 7x² प्लस का 2 माइनस का 1, समझिएगा, और इनटू 1/x². ओके, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो इनर फंक्शन में मैंने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो? ठीक है, तो ये ई की पावर में सॉल्व हो रहा है ना, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इनर फंक्शन में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा बेटा, एलसीएम आपका आ जाएगा 7x² एंड प्लस का 2, तो क्या जाएगा देखिए यहाँ से बेटा, तो यहाँ से आपका दिखेगा 3x² प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 है, यहाँ पे अपान में 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 7x² एंड माइनस का 2, ये आ गया इंटू 1/x तो लिखा हुआ है। ओके, 1/x² तो लिखा हुआ है। अब देखिए ये इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बच्चा बेटा, 3x² ये बच्चा और माइनस का 7x² ये बच्चा, तो 3x² पॉजिटिव, 7x² निगेटिव है, तो माइनस का 4x² आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। तो आपका जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है, और ये माइनस का 4x² अपॉन में क्या होगा बेटा, 7x² प्लस का 2 प्लस का 2 होगा, ओके, और इनटू में 1/x². ठीक है, ये e की पावर में चल रहा है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, x² और x² ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनली अब देखने को ये मिल रहा है कि सर एक्स 0 पुटअप करने पे ये माइनस का 4 और यहाँ 7 × 0 प्लस का 2, मतलब -4/2 आ रहा है। ठीक है, तो फाइनली पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, e की पावर क्या आ रहा है, माइनस का 4/2 मतलब माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, माइनस का क्या रहा है बेटा, 2 आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा अपान में 2, देख लीजिए 2 × 2 = 4, तो मतलब यहाँ पे एक पावर माइनस का 2 आ जाएगा, एक्सपोनेंट निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए अपान में वैल्यू को लाओगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर आपका फाइनल आंसर होगा। तो ई स्क्वायर आपका कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन क्या होगा, इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ में बात आई कि नहीं, ओके थैंक्स।